हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत ने खोज लिया कोरोना का इलाज, नाराज रिद्वानवट्टी से ठीक हो रहे मरीज, आईसीएमआर ने दी अनुमति। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने कोरोना मरीजों के लिए तैयार की गई सैफ चिकित्सा वीवी की राज निर्वाणवट्टी को बनाने की हरी झंडी दे दी है। एलोपैथ और आयुर्वेद के घटक से तैयार इस एलोवेदिक वट्टी का कोरोना के गंभीर मरीजों पर प्रयोग सफल रहा है। मंगलवार को प्रेस वार्ता में चिकित्सा वीवी के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने बताया कि पहले चरण में ये दवा केवल कोविड-19 अस्पतालों के लिए बनाई जाएगी, बाजार में इसकी उपलब्धता अगले चरण में हो सकेगी। कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने बताया कि उन्होंने ऋषिकेश के आयुर्वेदाचार्य योगीराज निर्वाण देव के साथ मिलकर शोध करके राज निर्वाण बट्टी तैयार की है। आयुर्वेद के 12 और एलोपैथ के 1 घटक को मिलाकर पहले काढ़ा तैयार किया गया। सकारात्मक परिणाम आने के बाद इसे वट्टी के रूप में बनाया गया। इसका कोरोना संक्रमित 40 गंभीर मरीजों पर परीक्षण किया गया। इसमें 9 मरीज 60 वर्ष की ऊपर के उम्र वाले और 8 मरीज दमा, शुगर, कैंसर और दिल की बीमारी से ग्रसित थे। वटी देने के बाद 26 मरीजों की रिपोर्ट 5वें दिन नेगेटिव आ गई और बाकी 10 मरीजों का उपचार चल रहा है। ये रिपोर्ट आईसीएमआर को भेजी गई तो वहां से दवा बनाने की अनुमति मिली है। उन्होंने बताया कि दवा की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। उन्होंने इसे कोविड-19 अस्पतालों के लिए तैयार करने को कहा है। संक्रमितों की संख्या घटने के साथ दवा को बनाने में लग रहे घटकों की उपलब्धता के हिसाब से इसे बाजार के लिए भी तैयार किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए विशेष रिपोर्ट।